सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय डियर। अच्छा बच्चों बताओ आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे? सर हमें आज अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षक फ्रांसिस वैलेंट पार्कर जी के बारे में कुछ सुनाएं। ठीक है बच्चों, मैं उनकी एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि उनकी गिनती क्यों महान शिक्षकों में होती है। ठीक है सर। पार्कर जी अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक थे। बहुत दूर दूर से लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उनसे परामर्श लेने आया करते थे। एक बार वो कहीं भाषण दे रहे थे। भाषण पूरा होने पर एक महिला उनके पास आई और बड़ी ही शालीनता से उसने पूछा, पार्कर महोदय जी, मैं अपने बच्चे की शिक्षा प्रारंभ करना चाहती हूँ, उसके लिए कौन सा समय उचित रहेगा? पार्कर जी ने पूछा कि आपका बच्चा कब जन्म लेने वाला है? महिला को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और वो बोली, पार्कर जी, मेरा बच्चा तो आज से 5 साल पहले ही जन्म ले चुका है। पार्कर जी ने कहा, श्रीमती जी, तब तो आपने अपने बच्चे के 5 सुनहरे वर्ष बर्बाद कर दिए। शिक्षण का कार्य तो बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। घर जाइए और बच्चे का शिक्षण अभी से आरंभ कर दीजिए। अच्छा बच्चों बताओ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी का तात्पर्य है कि शिक्षा हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और ये किताबी ज्ञान ही से मतलब नहीं है। हमें बाहर या अपने आस पड़ोस, अपने बड़े बुजुर्ग सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। वो हमें शिक्षा के रूप में ही मिलता है। जो चीज़ें हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, वो भी एक तरह की शिक्षा ही है।